आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी बकरी या हिरण को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे? टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर या दैत्य स्नेक भी कहा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं इतिहास में लुप्त इन भयानक सांपों के बारे में। स्टोरी बेहद रोमांचक है, कहीं जाइएगा मत और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। ये इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में यह दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। इस दैत्य रूपी सांप की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। हालांकि टाइटेनोबोआ सांप धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले जीवाश्म फॉसिल 2019 में कोलंबिया के ला ग्वाजीरा कोयला खदानों में मिला था। यहां इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 7 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। ये सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है ये और भी हिस्से में होते हो और अभी कहीं और इसके जीवाश्म न मिलने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। यह आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग 2 गुने और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फुट होती थी और वजन 15 किलो के करीब था। टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ को बढ़ने के किए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। टाइटेनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनमें काटने की शक्ति 400 LBS प्रति इंच मानी जाती है। टाइटेनोबोआ आजकल के बड्डीहे सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड्ढा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड्ढे एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटेनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा वजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप इसकी ताकत व आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने बड़े आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह की अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। शायद यह भी कारण हो सकता है कि इनके अधिक जीवाश्म नहीं मिले। तो दोस्तों, टाइटेनोबोआ एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है और सभी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा इसके जीवाश्म पर शोध करके अनुमान द्वारा बताई गई है। अगर इसके बारे में अनुमानित जानकर सच है तो हमें खुश होना चाहिए कि यह विशालकाय सांप आज के समय में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।